देखिए मैम, हम आपको अपनी मर्जी से तो बुलाते नहीं, कानूनी कार्रवाई है, आपको एक दफा कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। वैसे ना मुझे तो आप लोगों के मामला गड़बड़ ही नजर आ रहे हैं। जिस बंदे को उसने पैसे दे के मेरी बहन के पीछे लगाया था ना, उसने भी कबूल कर लिया है। इन सबूतों की वजह से ही हमने राशिद के खिलाफ कार्रवाई की है, वरना आप सब लोगों को तो पता है ना, मैंने कभी भी पुलिस में होते हुए अपनी इस वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठाया, बल्कि हर वक्त आप लोगों के काम आई। और आज तुम लोग सब उस एक आदमी की बातों में आकर मेरे घर के सामने ही तमाशा कर रहे हो, मेरी माँ मेरी बहनों को तंग कर रहे हो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने एक ऐसे बेशरम आदमी को हिरासत में लिया है जिसे शराफत का पोश पहना हुआ था। और सोच लो तुम सब, तुम लोगों के घर में भी माँ बहने हैं, आज अगर किसी और की माँ बहन के लिए तुम उठ खड़े नहीं होगे तो कल तुम्हारे लिए भी कोई नहीं उठेगा। मैं चाहूं तो तुम सब लोगों को हिरासत में ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम सबकी कहानी मालूम है, लेकिन राशिद ने जो मेरी बहन के साथ किया वो मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। अब फैसला कर लो, सिर्फ 5 मिनट है तुम लोगों के पास, जो शख्स भी यहां रुकेगा उससे मैं गाड़ी में पुलिस थाने ले जाऊंगी। चलो भाई चलो। अरे सब लोग आपको गुंडा होने का ताना दे रहे। अम्मा चले गए सब, बाजी ने सब संभाल लिया। भाई शुक्र है अल्लाह का। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, रास्ता साफ है ना बेटा? जी जी सब चले बस, मैं तो चली। दिल साहब कहाँ? बाहर। अरे मेरी अभिजान, अब आपने ना अपना पाँव नहीं हिलाना। मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है कि 8 हफ्ते मैं ऐसी बेड पे पड़ी रहूंगी। अम्मी जान वक्त का थोड़ी पता चलता है, और आजकल तो वैसे ही वक्त को पर लगे हुए हैं, ये वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे छोड़ भाई, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। अरे मैं तो इतना काम करने वाली, चलने फिरने वाली, बाहर निकलने वाली, अरे मेरा गुजारा कैसे होगा, और तुम लोगों के लिए लड़कियां कौन देखेगा। वैसे अम्मी जी एक बात तो बताएं, ये चोट आपको लगी कैसे? योगा कर रही थी। अमीजान क्या वाकई योगा कर रही थी? पागल हो गया है क्या, ये दरवाजे के ऊपर जाला लगा हुआ था, मैंने कहा चलो भाई बहुत नहुसत होती है ये मकड़ी के जाले, स्टूल रख के मैं जाला साफ कर रही थी, तुम दोनों कमबख्तों में से किसी ने केला खा के ना छिलका नीचे फेंका हुआ था, बस स्टूल पे से गिरी तो छिलके पे पैर पड़ गया। क्या जरूरत थी ये करने की अमीजान आपको, हम कर लेते ना। हाँ तुम लोग कर लेते, ये जो जाले होते हैं ना मकड़ी के, ये नहुसत की निशानी होती है, तभी तो हमारे घर में कोई खैर बरकत हो नहीं रही है। बस यही सोच के मैं चढ़ी थी स्टूल पे साफ करने के लिए, और ये हो गया मेरे साथ। अम्मीजान जी बेटा, अम्मी को आराम करने दें, चलिए हम चल के अम्मी के लिए ना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त। बिल्कुल अम्मीजान, आपको तबीयत बड़ी खराब है, कमजोरी भी होगी, तो आज वो मिक्खों वाला पुलाव बना ले। अरे बना ले, मैं ज्यादा बनाना, अच्छा मजेदार सा। चल शाबाश, बहुत इज्जत अफजाई करवा ली आज। किस कमबख्त ने केले का छिलका है? केले का छिलका तो मैंने खुद फेंका था। आए मैंने अपना क्या हाल कर लिया। अरे रजिया कैसे तू गुजारा करेगी 8 हफ्ते? आया अरे शेरबानो चुप हो जा, क्यों चीख चीख के रो रही है, कुछ भी नहीं होने वाला। रहने दो अब्बा, नाक गई हमारी।
मेरी बाजी पता नहीं क्या सोच रही होगी। अरे वो कुछ नहीं सोच रही होगी, मैंने उसे सारी बात बताई। मेरा तो अब ये रोना धोना बंद कर। नहीं अब पता ही बस नहीं चल रहा, जमीन फटे में उसके अंदर चली जाओ। बात सुनो, इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। इसको देखो अम्मा कैसी जहरीली बातें कर रही है मेरे साथ, ओवर एक्टिंग की तो कहा। इसको लगता है मैं ड्रामे कर रही हूँ। तू चुप कर जा गुड़िया। क्यों अम्मा, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी गलती नहीं है इसमें, जो दिलशाद है ना, सारी गलती इसकी है। तू चुप कर, वो बाहर बैठी है सुन लेगी। हाँ तो क्या हो गया अम्मा, सच कहने से डरती नहीं हूँ मैं। अच्छा मैं बोलूँ सच अभी? अम्मा क्या गलत किया बाजी ने बताओ तुम, सिर्फ गलत के खिलाफ एक्शन लिया ना, और किया क्या है? गुड़िया ऐसा बोलो वो नाराज होके फिर कहीं चली जाएगी। नहीं अम्मा मैं चुप नहीं रहूंगी अब, इसने तो हद ही कर दी है, इतना खुदगर्ज कोई होता है क्या? देखो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नए लोगों पे हमारा बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। अम्मा देयर इज अंग्रेजी की मिसाल, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बात सुनो, भाड़ में गई तुम्हारी अंग्रेजी और उसकी मिसालें। शुक्र करो कि बाजी हमारे सर पे मौजूद हैं, वो नहीं होती ना तो ये जमाना हमें बेच के खा जाता। और तुम जैसे पागलों का तो वैसे ही गुजारा नहीं है सोसाइटी में, पागल। अब क्या हो गया? अरे चुप। ले जी भाईजान दूध पत्ती पिए, बड़ी झकास बनाई है, पी के तो देखें जरा। अबे हटा यार, बड़ी टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन भाईजान? अबे यार मुझे लगता है गलत टाइम पे हमने रिश्ते का पंगा ले लिया। क्यों क्यों क्यों? अबे घर के हालात तो देखो क्या चल रहे हैं, अम्बी जान के पांव का फ्रैक्चर हो गया, उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना यार। एक तो भाईजान आप बहुत भोले हैं। क्यों? अरे भाईजान अम्मी जान के पांव का फ्रैक्चर तो हमारे लिए जैकपॉट साबित होगा। समझा नहीं? मतलब ये भाईजान के जो हम लोग परेशान हो रहे थे ना कि शादी के बाद फ्लैट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, किराए कहाँ से देंगे, कहाँ से आएंगे, तो समझो बंदोबस्त हो गया। पर कैसे है? अरे आप चाय पिए ना बताता हूँ। बताइए। आप मुझे ये बताएं कि अम्मी के इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे भाईजान? छोटा भेजेगा ना दुबई से, और कहाँ से आएंगे? तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते, लेकिन मैं अब ये रिश्ता खत्म करने का सोच रही हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। भाईजान अम्मी जान को क्या हुआ ये तो छोटे को हम ही बताएंगे ना, तो जरा बड़ा चढ़ा के बता देंगे। क्या बोले, क्या बोलेंगे भाई? कह देंगे डॉक्टर कह रहे कि पैर काटना पड़ेगा। अबे फ्रैक्चर में पांव कौन काटता है? अबे यार भाईजान पहले बात तो मेरी पूरी सुन लेना यार, आप बीच में बोलना शुरू कर दे। ठीक है हम छोटे से कहेंगे कि हमें डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी के पांव का जख्म ठीक नहीं हो रहा, इसलिए दवाओं से ठीक होगा, और दवाओं पे आएगा लाखों रुपए का खर्चा। और अगर भैया खर्चे से जान छुड़ाना चाहते हो तो पैर कटवा दो, वरना फिर लाखों रुपया खर्चा करो। छोटा पानी की तरह पैसा बहा देगा लेकिन अम्मी का पांव नहीं कटने देगा। ये चीज मेरे अजीज। भाई यार तेरा शैतानी दिमाग बहुत तेज चलता है भाई। बस क्या करें भाईजान, कभी गरूर नहीं किया। तुम भी डर गई थी क्या हया? डरी नहीं थी, घबरा गई थी बाजी। क्यों? ये सोच के घबरा गई थी कि हमारे लिए ये मसला ना बन जाए। कोई मसला नहीं बनेंगे, ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर हमारे लिए टेंशन का बाइस तो है। हया मेरी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी ऐसा लगे ना कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं तो सीना ठान करके हालात के सामने खड़ी हो जाओ, कभी पीट करके भागना नहीं, क्योंकि वही फैसले का वक्त होता है। अगर आज हम इन लोगों के सामने खड़े नहीं हुए ना तो ये हमेशा के लिए शेर बन जाएंगे। दिलचार अगले महीने की 10 तारीख को निकाह है। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो? तुमसे कुछ मशवरा करना है।
मुझसे क्या मशवरा करना है अम्मा, अब तारीख रख ही दी है तो शादी भी कर दो। ऐसा ना कर तुषार बेटा, तू कल रात को नहीं थी ना, मैं सारी रात नहीं सो सकी। अरे अम्मा मुझे तो लगा कि तुम तो बहुत अरसे बाद बहुत अच्छी सुकून की नींद सो रही होगी, क्योंकि जिसकी वजह से तुम्हें टेंशन है वो तो घर पे है ही नहीं। अरे यही तो मसला है, औलाद को चाहे जितना भी बुरा भला कह लो लेकिन औलाद से दूर नहीं रह जाता। अम्मा आप तुम भी ना आदत डाल दो दूर होने की, क्योंकि मैं तो तुमसे दूर होने की आदत डाल चुकी। पहले क्या दुख कम है जो तू और एक दुख देना चाह रही है। शेरबानों की शादी की टेंशन, हया की टेंशन, मोहल्ले वालों की नाराजगी की टेंशन, अब तू होता मैं क्या करूं। और अब तुम उससे ऐसी बातें कर रही है, मैं अपना दुख किससे जाके कहूं, तू बता मुझे। बाजी अब आप कहीं नहीं जाएंगी, बस मैंने कह दिया ना, बहुत हो गया यार। अरे अम्मा आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अब ये कहीं नहीं जाएंगी, मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं हूँ यहाँ पे ना। हेलो, कल जब से आपके घर से आई हूँ ठीक नहीं हूँ मैं। है अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है लेकिन दिमाग में अजीब सी कश्मकश है। ऐसा क्या हुआ? मैंने जब कल के वाकये का जिक्र अपने हस्बैंड से किया तो वो हैरान हो गए और बोले कि तुम कहाँ बसाने जा रही हो अपने मासूम भाई को। ए भाई क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मेरे शोहर कहने लगे कि ना तो पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, और तुम कहाँ चली हो रिश्तेदारी निभाने। अरे भाई ये क्या बात हुई, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते, लेकिन मैं अब ये रिश्ता खत्म करने का सोच रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं होती, दो खानदानों का ताल्लुक होता है और आगे आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल का भी सोचना होता है। भाई तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग भी ऐसे कोई गिरे पड़े लोग नहीं है। अरे वो तो मैंने देख लिया आंटी, अगर ऐसे ही किसी खानदान में शादी हो जाए तो हमारी आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। देखो नसरीन ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो इत्तेफाक था, उसमें भी गलती हमारी नहीं थी। अरे अपनी गलती कौन मानता है आजकल, हमें क्या पता किसकी गलती थी, हम तो वही फैसला करेंगे जो हमने देखा। और हमने ये देखा कि सारे मोहल्ले वाले आपको गुंडागर्दी का इल्जाम दे रहे थे। अरे बकवास कर रहे थे वो लोग, झूठ बोल रहे थे। बस आंटी अब मैं आदिल से बात करके आपको जवाब दे दूंगी, मजीद बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, खुदा हाफिज। या अल्लाह किसकी नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। अल्लाह ये बच्चे कहाँ चले गए। गुड़िया, ओ गुड़िया। तो तेरी सुबह हो गई है। बेयार वो तेरी मस्तानी जी की मिस्ड कॉल, फिर रात के 2 बजे कॉल बैक करता हूँ। हेलो मस्तानी जी, रात को 2 बजे आपने कॉल की, खैरियत? हाँ बस मेरा दिल बहुत उदास था, दिल किया किसी दोस्त को फोन करूं और अपने दिल का बोझ हल्का करूं। क्या बात कर दी आपने उस्तानी जी, उस्तानी जी, उस्तानी जी। कोई बात करने का सलीका सीखना चाहे ना तो आपसे सीख, मैं कहता हूँ आप फना कर देती हैं, घायल कर देती हैं, कत्ल कर देती हैं। क्या बम जुमले होते हैं आपके, दिल फाड़ के रख देते हैं, मैं कहता हूँ किलर। शुक्रिया। अच्छा तो आप कह रही थी आप कुछ परेशान हैं, बात करना चाह रही थी, खैरियत है ना सब?
ना पूछे क्या कयामत गुजर गई मुझ पर। अल्लाह रहम करे उस्तानी जी, ऐसा क्या हो गया? बस वो तो मैं आपको मिल के बताऊंगी। ऐसा मुमकिन है कि हमारी मुलाकात हो सके? मैं देखिए उस्तानी जी, साफ सीधी बात है, मेरी बात हो चुकी है पक्की, और मैं किसी भी दूसरी लड़की से मिलना अपनी होने वाली बीवी से बेईमानी तसव्वुर करता हूँ। लेकिन अब चूंकि आपसे पुराना ताल्लुक है तो आपको मना तो नहीं किया जा सकता ना, तो फिर चलें आप भी क्या याद करेंगे, मिल लेते हैं। अच्छा तो फिर जल्दी से बताएं कि कहां और कब मिलना है। लेकिन हाँ एक बात याद रखें कि मेरी जो छोटी वाली बहन है ना, उसे पता है कि हम छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं। चलो जी। वैसे सानी जी मैंने एक बात नोटिस की है, एक तो हर लव स्टोरी के बीच में ना या तो छोटी बहन आ जाती है या फिर सहेली। लव स्टोरी? दोस्तों वाली लव स्टोरी। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आपको कैसे पता कि कौन मामला खराब करता है? उस्तानी जी इसमें तफसील पता होने की क्या बात है, आजकल हर दूसरे ड्रामे में तो यही हो रहा है। या तो अपनी सगी बहन अपनी दुश्मन, या फिर सहेली अपनी सहेली के शौहर पे आशिक। अल्लाह माफ करे, वैसे ये सब कुछ ना कयामत के आसार है। वैसे मेरी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है, मेरी अपनी सगी बहनें मेरी दुश्मन बनी हुई है। चलें सानी जी मिल के फिर आपकी स्टोरी भी सुन लेते हैं। कहें फिर कब मुलाकात रखनी है? ठीक है फिर मैं आपको वक्त और मुलाकात की जगह बता दूंगी। इंतजार रहेगा सानी जी, इंतजार ना करवाइएगा। ओके बाय। ये तो वाकई गुड मॉर्निंग हो गई भाई। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया। क्या हुआ अम्मा? अरे बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, जा जाके अंदर से दवाई ला दे। अच्छा लेकर आ। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं अम्मा की, मैं दवाई लेकर आ रही हूँ, अम्मा के पास बैठ जाए। अम्मा अम्मा अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो बैठो मत, लेट जाओ ना आराम से। नहीं नहीं जरा दवाई खा लो फिर लेटूंगी। अम्मा मैं तो बोल रही हूँ अगर ज्यादा तबीयत खराब है ना तो हॉस्पिटल चले। हाँ अब तो ऐसे ही लग रहा है कि डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा।